हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. इन प्रीवियस चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वी हैव अंडरस्टूड, एंड आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिसोर्स. नाइन्थ चैप्टर ऑफ आवर ज्योग्राफी पोर्शन, ह्यूमन रिसोर्स. इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ओनली फ्यू थिंग्स, दैट इज इंट्रोडक्टरी वीडियो. व्हाट इज कॉमन थिंग, व्हाट इज रिसोर्स, and then we will try to understand what is human resource and distribution of population. Let's try to understand what is resource. Resource in very general definition, in very general understanding, we can say that everything that is available around us and that is available for us and can satisfy our needs is called resource. Everything, this marker, this mobile phone, this stand, this board, this fan, this board, and even air, water, and everything. You can see my first video that we have studied in the first chapter, what is resources. So you know about resources, I hope. Student of 4th class, I hope that they know about the resource, because the chapter resource and development is your first chapter. So resource is everything that fulfill our need or help in completing our needs. कुछ भी हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, वो हमारे लिए संसाधन है, रिसोर्स है, चाहे वो हवा हो चाहे पानी हो. इस हिसाब से हम देखते हैं कि इन रिसोर्सेज को अगर हम आगे जा करके फर्दर डिवाइड करते हैं, तो या तो हमारी चारों तरफ पाई जाने वाली चीज़ें या तो नेचुरल होंगी या तो वो इंसान के द्वारा बनाएंगे, तो दैट इज मैन मेड होंगे. नेचुरल चीज़ें जितनी भी हमारे चारों तरफ अवेलेबल हैं, दे आर वेरी नेसेसरी एंड दे फुलफिल आवर नीड्स. मैन मेड थिंग्स, ह्यूमन, वी हैव स्टडीड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दैट द मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इंटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, एंड मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स आर ह्यूमन मैन मेड. This is a marker with more value from its raw material, but is a man-made. It's a resource because it fulfill our need. Second, human itself also fulfill our need. Then human is the greatest resource because it make this whole resources useful for human being. Greatest resource because they can develop and use all other resources. तो human resource कौन है? ये पूरा इंसान, with their skill, with their training, with their knowledge, they convert and they make useful all other resources. अगर ये ना होते तो और कोई चीज़ रिसोर्स नहीं होती है. जिस तरीके से और कोई ग्रह है और कोई प्लेनेट है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं माना जाएगा, वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन नहीं है. वो उसको रिसोर्स हम अगर यूटिलाइज करते हैं तो रिसोर्स है. हमारे लिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी रिसोर्स नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए यूटिलाइजेशन नहीं होता है. हमारी मेन प्रॉब्लम यहाँ पर बन जाती है कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, यानी पॉपुलेशन ह्यूमन रिसोर्स है लाइबिलिटी के साथ, बट वो जब बहुत ही स्किल्ड हो जाती है. हम एक चीज़ ट्रेंड देखते हैं कि एक जो आपके यहाँ इंट्रोडक्शन दिया है कि जनरली पहले के ज़माना जो था, फर्स्ट जो अर्ली सोसाइटी थी, आज के 200-300-400-500 साल वर्ष पहले, तो ऐसा माना जाता था कि जो लोग हैं, पीपल हैं, अगर ये ज़्यादा संख्या में होंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी. ज़्यादा की संख्या ज़्यादा है तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, वो यूज ज़्यादा करेंगे. बट धीरे धीरे ट्रेंड बदल गया. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, मशीनों का आविष्कार हुआ, तो बड़ी ज़्यादा भीड़ का वैल्यू कम हो गया. इसका मतलब वो अब हो गया कि एक व्यक्ति अपने स्किल, अपने एजुकेशन, अपने ट्रेनिंग के बल पे, मशीनों के बल पे लाखों के लोगों की संख्या के बराबर प्रोडक्शन कर सकता है. तो ट्रेंड बदल गया. लेकिन पहले माना जाता था कि जिस कंट्री के पास ज़्यादा पॉपुलेशन है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, ज़्यादा डेवलप्ड होगा. बट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने क्या लीड कर दिया, उस ट्रेंड को बदल दिया कि कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा संख्या हो, पॉपुलेशन हो बहुत ज़्यादा, कम पॉपुलेशन हो लेकिन वो ट्रेंड हो, एजुकेटेड हो. जैसे भारत में देखिए, भारत में हमारे 50% से ज़्यादा लोग यंग हैं, ठीक है,
अब यंग हो, घर का एक ले लीजिए कि घर में पांच लोग हैं, तो पांचों लोगों से अगर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, होशियार है, तो वो व्यक्ति ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा उन चारों लोगों से जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे। तो कहने का मतलब है, अगर नॉलेज है, स्किल है, स्किल ट्रेनिंग नॉलेज एंड हेल्थ इन्वेस्टमेंट इन दीज एरियाज मेक द लाइबल पीपल और लाइबल पॉपुलेशन इनटू ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल। क्या फैक्टर होते हैं जो पॉपुलेशन को बताते हैं कि वो कहाँ पर होंगे? अगर इनके हम देखें कि धरती पर, देखो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अनेबल ऑन द अर्थ, इस धरती पर पॉपुलेशन सभी जगह सेम नहीं है। आप नॉर्थ पोल पे जनसंख्या नहीं पाएंगे, आप समुद्र में जनसंख्या नहीं पाएंगे, आप पहाड़ों की जनसंख्या कम पाएंगे, प्लेन्स में ज़्यादा पाएंगे। जहाँ ठंडे क्लाइमेट है वहाँ जनसंख्या कम होगी, जहाँ बहुत ज़्यादा क्लाइमेट है या मॉडरेट क्लाइमेट है वहाँ संख्या का डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट मिलता है, ज़्यादा मिलता है। तो कुछ चीज़ें तो हैं जो डिसाइड करती हैं कि लोगों का कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होगा, जनसंख्या कहाँ ज़्यादा होगी, कहाँ पर कम होगी। तो चलिए ट्राई करते हैं कि देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। अगर देखें तो कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ बहुत ईजिली समझने का प्रयास करेंगे। फिजिकल फैक्टर्स होते हैं फैक्टर्स, और कुछ ह्यूमन फैक्टर होते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं जिनको हम नॉन फिजिकल कह सकते हैं, जिनको हम नॉन फिजिकल कह सकते हैं। फिजिकल फैक्टर्स, कुछ नॉन फिजिकल फैक्टर्स होते हैं व्हिच डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। फिजिकल में हम कर लेते हैं कुछ रिलीफ फीचर्स, रिलीफ फीचर्स, दूसरा क्लाइमेट, अगर दो तीन चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं, तीसरा सॉइल, क्लाइमेट, तीसरा सॉइल, चौथा नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन, पांचवा मिनरल रिसोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ मिनरल रहेंगे वहाँ मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं। छठवां आप जोड़ सकते हैं वाटर, वाटर रिसोर्स, यानी पानी कहाँ पर है वो डिपेंड करेगा। अगर पानी नहीं, जैसे रेगिस्तान में आप देखेंगे तो हाँ आपको जनसंख्या कम मिलती, ठीक है। अगर ह्यूमन फैक्टर को देखें तो इंडस्ट्रीज, हमने देखा था कि कहीं पर इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज, सेकंड हम देखेंगे कि मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, तीसरा हम देखेंगे अर्बनाइजेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, अर्बनाइजेशन, चौथा गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी। चलिए थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए रिलीफ फीचर, इस धरती पर ऑन द अर्थ व्हेयर इज माउंटेन, व्हेयर इज हिल्स एंड प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, दिस डिटरमाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जैसे आप देखेंगे कि जहाँ पर प्लेन है, मैदान है, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी, वहाँ पर पॉपुलेशन डेंस होगी। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम और पंजाब, हरियाणा, हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन, प्लेन का मैदान है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अब बम्बई में भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो बम्बई में जनसंख्या इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो हम मतलब ह्यूमन फैक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल फैक्टर भी काम कर रहे हैं। रिलीफ फीचर अगर कहाँ है, क्या है, माउंटेन्स हैं, क्या है, आप बुक में अपने रीड करके देख लीजिएगा कि आप माउंटेन्स अगर हिमालय पर्वत पे आप देखें तो वहाँ जनसंख्या कम रहेगी, ठीक है। अगर डिजर्ट्स हैं, डिजर्ट में जनसंख्या कम रहेगी, प्लेन में लोग ज़्यादा रहेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा, एग्रीकल्चर का फायदा होगा। तो सिंपली समझ लेते हैं कि रिलीफ फीचर जो टोपोग्राफी है वो बताती है कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कितना रहेगा। क्लाइमेट, बिल्कुल क्लाइमेट मायने रखेगा कि क्लाइमेट, इफ द क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, पीपल प्रीफर टू लिव इन मॉडरेट क्लाइमेट्स, जहाँ ठंडी भी नॉर्मल हो, गर्मी भी नॉर्मल हो, बरसात भी नॉर्मल हो। ऐसे जगह पे लोग नहीं रहेंगे जहाँ टेम्परेचर हमेशा माइनस डिग्री में रहता हो, माइनस फिफ्टी, माइनस फोर्टी डिग्री, फिफ्टीन ट्वेंटी थर्टी डिग्री रहे, जैसे अंटार्कटिका में
आर्कटिक सर्किल, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे लोग नहीं रिजाइड करते, पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं रहती है। तो पॉपुलेशन लोग कहाँ रहेंगे, जहाँ क्लाइमेट ठंडी गर्मी बरसात का कंडीशन जो है ये मॉडरेट होगा, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी। तीसरा सॉइल, सॉइल एग्रीकल्चर के लिए अगर एजी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और एजी हमारे फूड को फुलफिल करता है, और फूड एक बेसिक नीड है हमारी, बेसिक नीड है हमारी। तो इस बेसिक नीड हमें फूड हमें एग्रीकल्चर से मिलेगा, एग्रीकल्चर सॉइल पे डिपेंड है। तो जहाँ डिजर्ट सॉइल है वहाँ पॉपुलेशन नहीं रहेगी, क्योंकि वो एग्रीकल्चर नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करें, जहाँ पर हमारी एलोवेरा सॉइल है या फर्टाइल सॉइल जहाँ पर है, वहाँ पर जनसंख्या ऑटोमेटिक ज़्यादा बढ़ेगी। तो हमारा तीसरा फैक्टर इस तरीके से वर्क कर रहा है कि सॉइल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इफ द सॉइल इज फर्टाइल वी विल सी द कंसेंट्रेशन ऑफ मोर पॉपुलेशन। ओके, नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एंड पीपल ऑल्सो डिपेंड ऑन नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। वी गेट अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल एंड कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देन वेयर इज द पॉपुलेशन, वेयर द नेचुरल वेजिटेशन, व्हिच टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, दिस इज डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है, जैसे अमेजन और कॉन्गो को देख लें, तब भी हमें वहाँ पर लेस डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, यानी डिजर्ट का एग्जांपल हम ले लेते हैं, थार डिजर्ट का, सहारा डिजर्ट का कोई वेजिटेशन नहीं है, बहुत लेस वेजिटेशन है, तो जनसंख्या सिंपली कम हो जाएगी। मिनरल जो हमारे खनिज हैं, आयरन है, कोबाल्ट है, गोल्ड है, कॉपर है, ये सब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लीड करते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लीड करेंगे तो कहीं ना कहीं नॉन फिजिकल फैक्टर को लीड करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होंगी। हमने, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो हमने देखा था कि रॉ मटेरियल जहाँ हमें होता है वहाँ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं। तो मिनरल अगर है तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप होंगे तो पॉपुलेशन डेंस हो जाएगा। वाटर रिसोर्स, जहाँ पर पानी ही नहीं है तो वहाँ जनसंख्या कहाँ से हो सकती है, सिंपल है। तो वाटर रिसोर्स बहुत मायने रखता है, और प्योर वाटर, हाँ अगर माउंटेन में प्योर वाटर मिलता है, लेकिन वहाँ टोपोग्राफी मायने रख जाती है कि वहाँ पर हम लोग वहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि रिलीफ फीचर, क्लाइमेट, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, मिनरल एंड वाटर रिसोर्स आर फिजिकल फैक्टर्स दैट डिसाइड एंड कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इंडस्ट्रीज ये डिसाइड करते हैं कि विलेज, विलेज से लोग टाउन की तरफ मूव हो, और डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो संख्या डिसाइड करेगी। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जहाँ खूब बढ़िया से ट्रांसपोर्ट के साधन, यातायात के साधन अगर डेवलप्ड हैं, परिवहन के साधन डेवलप्ड हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन कम या ज़्यादा ये डिसाइड हो जाएगा। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, गाँव से जहाँ शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण भी डिसाइड करता है। जैसे बम्बई, कलकत्ता, ये सब बड़े बड़े जो शहर हैं, ये शहरीकरण के बाद शहर हुए हैं, तो यहाँ पर जनसंख्या या पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हमें डिफरेंट देखने को मिलता है उन इलाकों से जहाँ पर अर्बनाइजेशन नहीं हो रहा, शहरीकरण नहीं हो रहा। गवर्नमेंट की पॉलिसी, मान लीजिए जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट ने कह दिया यहाँ पर कोई आएगा तो उसको इतना चार्ज लगेगा, या इस तरीके से रहना, उस तरीके से रहना है, यहाँ पर ये टैक्स पे करना है, ये करना, वो करना है। तो गवर्नमेंट की रिजाइडिंग पॉलिसी जो है, जो स्कीम्स हैं, या मान लीजिए कोई अदर प्रकार की जो वहाँ व्यवस्था रहती है सरकार की, ठीक है, उस हिसाब से सरकारें डिसाइड करती हैं कि यहाँ पर कौन रिजाइड करे, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी, चाहे वो इंडस्ट्रीज को लेकर के हो, चाहे किसी अदर मामले को लेकर के हो, वो डिवाइड करती है। तो हमने तीन चीज़ों को पढ़ा, रिसोर्स, नेचुरल, मैन मेड, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, खुद ह्यूमन रिसोर्स है, ये ह्यूमन जो रिसोर्स है क्या ये सभी जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम देखते हैं कि धरती पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनका नहीं है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, तो हम देखते हैं कि वो फैक्टर्स फिजिकल हैं, नॉन फिजिकल, फिजिकल हैं। रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन एंड इन सबको हम दिमाग में रखेंगे, इसको दिमाग में रखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो कैसी है, ठीक है, थैंक यू।